जस्ट जस्ट मोहम्मद करम शाह आका एक
के साथ ज्यादा होने के बावजूद अलग-अलग यूनिवर्सिटी से
क्योंकि सैयदी ज़िया उम्मत का खानदान हाशमी खानदान है और आपका सिलसिला नस्ल बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात तक जाता है। जब गुफ्तगू और माफ़ इख्तिताम पज़ीर होने के करीब थी, आपने मेज़बान माफ़ को बुलाया, निज़ाम और उसके से अक्ल करने वाले शख्स को बुलाया, आपने कहा मुझे पकड़ो, पकड़ कर स्टेज पर लेके जाओ। नकाह कितनी थी कि सहारा देकर स्टेज पर ले जाया गया। जब आप स्टेज पे पहुंचे, आपकी आंखों में आंसू, लहजे में सोज गुदाज, आप फरमाने लगे मैं इस काबिल तो ना था कि स्टेज पे आकर दम कुशाई कर सकूं, पर साहिब जो मेरा तवाफ करवा रहे थे उन्होंने मेरे नाम के साथ सैयद का इजाफा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं सैयद नहीं बल्कि सादात के खान वादे का एक अदना सा गुलाम और नौकर हूं। कहा मैं हाशमी खानदान से हूं। सादात वो होते हैं जो सैयदा ज़ारा पाक की औलाद में से होते हैं। मेरे सैयदी ज़िया उम्मत की इंतहा देखे आजादे की जमने लफीर है, लेकिन आप जरा बराबर भी नहीं हिचकिचाए कि अगर मेरे नाम के साथ सैयद आ गया तो क्या हो गया। आपने फौरन वहां पर उठ के खड़े होकर कहा मैं सैयद नहीं बल्कि सादात के घराने का नौकर और गुलाम। और सादात की तकरीब का इतना अंदाज था, हमारे सुन्नत के अजीम खतीब है खान मोहम्मद कादरी साहब लाहौर वाले, आप फरमाते हैं कि एक बार हाफिजाबाद वाले सैयद सादात पी सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, आपने ये वाकया मुझे खुद सुनाया। आप फरमाते हैं एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर ज़ियाउल्लाह जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने मेहमान बनकर तशरीफ लाए, फरमाते हैं उन्हें लाइब्रेरी के कमरे में बिठाया, उस लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। फरमाते हैं गुलशन ज़हरा की एक नन्ही कली हमारी बेटी घर के आंगन में से काम काज में मसरूफ थी, एक बार लाइब्रेरी उस दरवाजे के सामने से गुजरी, जब ज़ियाउल्लाह जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने निगाह पड़ी आप खड़े हो। दूसरी बार फिर ऐसा मौका बना, वो दरवाजे के सामने से गुजरी, हजरत ज़िया मोहम्मद खड़े हो गए। तीसरी बार फिर ऐसा मौका बना, आप खड़े हो गए, हाथों को बांध लिया। फरमाते हैं शेख सैयद शबीर शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह तआला ने वो नन्ही गली तोड़ी तोड़ी मेरे पास आई, कहती है बजन बताए तो सही वो लाइब्रेरी में सुफैद नहीं जो बाबा जी बैठे हैं वो कौन है, उनका तारुफ क्या है, बड़े बड़े मेहमान आपके देखे। और अल्लाह की इज्जत की कसम है इतनी के सारे जमाने में किसी ने नहीं देखी। सैयद शबीर ज्यादा फरमाते मेरे का बेटा बताओ तुझे हुआ क्या है। वो कहती है मैं जब भी दरवाजे के सामने से गुजरती हुई मेहमान खड़े हो जाते हैं। फरमाते मैं जल्दी जल्दी सैयद ज़ियाउल उम्मत के पास आया, मेरे का गुरबाना क्या कर रहे हैं आपकी मार है, नकाह क्या सारे बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाने लगे कहा सैयद साहेब ये तकरीब किसी आम की नहीं, सैयदा ज़हरा के खून की तकरीब है। जब भी गंदी गली मेरे सामने से गुजरती है मैं सादात की तकरीब करने के लिए खड़ा होकर दादी में हाथ मांग देता हूं। मेरे सैयद ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह तआला ने यकीनन आपको पता था जमाने की शाही में भी वो मजा नहीं जो आले मोहम्मद की गदा करी और मुखी के अंदर मजा रखा। शाहों को मिला है न दबंगत से मिला है, अल्लाह का इंसान उसी दस से मिला है, अरे जिसको भी मिला है मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दस से मिला है। आज भी भेरा शरीफ के अंदर सादात की इतनी तकरीब है, जब नई क्लास बनती है तो फैजान मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का भी जारी सारी है, जब नई क्लास बनती है तो उस्तादे मोहतरम रजिस्टर के ऊपर नाम लिखने से पहले क्लास में मुखातब होते हैं और फरमाते हैं कि क्या क्लास में कोई सादात के घराने में से तालिबे है। पहले सरे फहरिस्त सादात के खानवादे के फूलों के नाम लिखे जाते हैं, फिर दूसरा पूछा जाता है कोई और जब इसी आस्ताने की गद्दी के साहबजादा साहब हो फिर उनका नाम लिखा जाता है, फिर उससे आगे क्लास में पूछा जाता है जैसे कोई कुरान का हाफिज हो फिर उनका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद बाकी क्लास का नाम लिखा जाता है। सैयदी ज़ियाउल उम्मत जिनको अल्लाह ने सादात-ए-किराम की मोहब्बत से भी नवाजा, ताज़ीम से भी नवाजा, आपने अपने
सारी वक्त सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उचित हदीस के ऊपर
याद करती हैं हमारे कादराबाद शहर के अजीम सूफी बुजुर्ग उस्ताद और उफाद हाफिज फतेह मोहम्मद नक्शबंदी चुराही सीधा शर्त हुआ फरमाते हैं कि जब ज़िया उल मुल्क जस्टिस की मोहम्मद करीम शाह का विसाल हुआ खत्म चेलन में मुझे हाजी का मौका नसीब हुआ। अब फरमाते चेलन शरीफ की महफिल इतनी सोलो गुदाज वाली थी पता चलता था कि अरबारों का जल्दी आते इलाहिया का नुज़ूल छमन छम बरस रहा है हर आंख इश्तियाक थी। फरमाते जब मैं वापस पलटा या वही रात थी या फरमाते उससे अगली रात थी सोया इधर मुकद्दर का सितारा जागा। फरमाते मैं क्या देखता हूँ मुस्तफा करीम का गुंबद खतरा है सुनहरी जालियां हैं सुनहरी जालियों के सामने एक बड़ी शक्ल वाले हाथ बांध मेज़ारों की ताल बांधे हुए दुआ कर रहे हैं। फरमाते जब मैं करीब गया मेरी हैरत इंतहा को पहुंच गई वो कयाम शख्सियत नहीं थी वो जस्टिस पीर मुहम्मद जान चार अल्लाह को दया ताला रहे थे रोजे रसूल के सामने ज़ारों की ताल होते हुए हाथ बांधे कर रहे थे मौला इस सोने दवाए का वास्ता है मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा और यही फैजान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके खानवादे को भी अता फरमाया अमीन हुस्न करम सैयदी ज़िया हुकूमत के आपके जानशीन पीर अमीनुल हसना शाह साहब आप आज भी ये नारा मस्तान लगाते हैं सदा सलामत पाकिस्तान ता कयाम पाकिस्तान। आपको मौजूद सुखन बनाने का मकसद जिस तरह मैंने आगाज में किया आज से हुजूर ज़िया हुकूमत के उस मुबारक की तकारीफ का आलम हुआ है 19-20 मुहर्रम का हराम आपका सलाना उससे बात सरजमीन मुकद्दसा हिजरा शरीफ के अंदर होता है। सबसे बड़ी खासियत और खुशखबरी हमारे लिए है कि इस बार बेहमदी तारा हफ्ता और एतवार के दरमियान शब यानी कल रात इंशाअल्लाह अज़ीम उससे बात की जो शुरू हुई उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रुकूए मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की इंतहा इस कदर की आज भी आपकी हयात मुबारका में अगर कोई शख्स आपके खिताब के दौरान पीर मोहम्मद करम शाह जिंदाबाद का नारा लगवा देता तो आप रोक लेते आप फरमाते मेरा नारा ना लगाओ वो नारा लगाओ जिसके सर के अंदर हमें इज्जत अता की है और वो कौन सा नारा है आप फरमाते अल इस्लाम जिंदाबाद। सारी जिंदगी अल इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जब सैयदी ज़िया मोहम्मद का इलाज से गए आज जिस नारे के साथ आपको याद किया जाता है वो नारा ये है तीनों मिल्लत की ज़िया पीर मोहम्मद करम शाह असीरे कैसुबे मुस्तफा पीर मोहम्मद करम शाह मुस्तफा के जिन बंदेर के जुल्फों के असीर थे अल्लाह ने ये करम किया कि उनके उस मुकद्दस की कल रात वाली नशिस्त में इंशाअल्लाह ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकूए मुबारक की ज़ियारत से पहरा किया जाएगा। तो दोस्तों बाप उसकी तकारीफ में शिरकत करवाना चाहते हैं आज से इनका आगाज हो रहा है एतवार वाले दिन नमाज ज़ुहर तक उसकी तकारीब होगी जरूर कोशिश करें शिरकत फरमा कर सवाब दार हासिल करें और दूसरा मेरा पैगाम आप पाकिस्तान नहीं है हम ज्यादा दूर नहीं जाते कादराबाद की सरदीगरी में अगर देखा जाए मेरे सीधे ज़िया का फैजान अल्लामा मोहम्मद हसन चिश्ती साहब एक अजीम इदारा चला रहे मेरे सीधे ज़िया का फैजान सरदादा अली सरद हुसैनी साहब मेरे सही ज़ियाउल्लाह का फैजान हमारे बिरादरी अर्जुमंद आतिफ नज़ीर सियाली साहब और बंदे इलाकी साहब के सामने है। हुजूर ज़ियाउल्लाह ने कायनात के ऊपर न सिर्फ मुस्तफ़ा करीम के इश्क की दौलत को जमाने के सीने में उजागर किया है बल्कि सीधी ज़ियाउल्लाह ने ऐसी ऐसी खिदमात दीन मदीन के लिए की जो सुबह क़यामत तक यकीन जारी साहब रहेंगी। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है परवरदिगार आलम उनके मज़ारे पर अदवार के ऊपर अपनी तजदियात और रफ्तों पर गौर फरमाएं और करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली जिंदगी उनकी जो जिंदगी है उसमें से हमें भी इश्क मुस्तफा के छींटा अता फरमाते हुए आका करीम की गुलामी वाली जिंदगी अता फरमाएं। वमा अली या अल्लाह वली अकरमे इरास बात फरमाएं।